मीडिया वालों के सामने आकर राखी सावंत ने एक बार फिर से एक बड़ा ड्रामा कर दिया और एक बड़ी अनाउंसमेंट। दरअसल राखी सावंत के पीछे पैपराजिस किस तरह से उनके पीछे भागते हैं, उनके वीडियोस बनाते हैं, क्योंकि राखी सावंत एक ड्रामा क्वीन है। ऐसे में लोगों को एंटरटेन करना उनका काम है। आपको बताते चले कि इस बीच जब पैपराजिस एक बार फिर से राखी सावंत से मिले और उनकी वीडियो बनाने लगे तो राखी सावंत ने धमकी दे दी और सरेआम कह दिया कि मैं फातिमा हूँ, ज्यादा मुझे चिढ़ाया या मुझे बेइज्जत किया या मेरे पीछे आए तो मैं हिंदुस्तान छोड़कर पाकिस्तान चली जाऊंगी। ये धमकी किस वजह से दी है राखी सावंत ने, तो देखिए ये रिपोर्ट। राखी सावंत जाना चाहती है पाकिस्तान, बोला ज्यादा नाटक किया तो देख लेना। एंटरटेनमेंट क्वीन राखी सावंत अक्सर किसी न किसी विवाद को लेकर सुर्खियों में रहती है। एक बार फिर से अपने स्टेटमेंट को लेकर वो लाइमलाइट में आ गई। हाल ही में पैपराजीज को राखी सावंत ने अपनी कार दिखाई, इस दौरान वो बोलती नजर आई, ज्यादा नाटक किया ना तो पाकिस्तान चली जाऊंगी। इस दौरान अपनी बातों से फैंस को एंटरटेनमेंट करती नजर आई। राखी सावंत ने कहा कि लोग हमारे आशिक हैं, हमें किसी चीज की क्या जरूरत। बीते कुछ समय से वो अपनी शादी को लेकर काफी सुर्खियां बटोर रही है। हालांकि एक्ट्रेस ने इस्लाम कबूल करने का दावा भी किया। राखी सावंत ने पति आदिल के मैसेज इंस्टाग्राम पर शेयर किए धोखा देने का आरोप लगाया, जबकि आदिल ने राखी पर झूठ बोलने का आरोप लगाया। हालांकि राखी सावंत के वीडियो पर फैंस भर भर कर कॉमेंट्स कर रहे हैं। एक्ट्रेस ने पाकिस्तान जाने की बात कही तो वो लोग कहने लगे कि मैं सबको छोड़कर पाकिस्तान चली जाऊंगी। बता दें कि उमरा से आने के बाद बुर्का ना पहनने को लेकर राखी सावंत को ट्रॉल भी किया गया। हालांकि एक्ट्रेस ने इसे लेकर कोई जवाब नहीं दिया। नेक्स्ट 10 लाइव की रिपोर्ट।